तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी देख सकते हैं हम लोग चूल्हे में कढ़ाई को चढ़ा चुके हैं और हम अब इसमें तेज पत्ता डाल रहे हैं। तेज पत्ता डालने के बाद हम लोग इसमें लगभग 100 ग्राम प्याज डालेंगे। प्याज को हम लोग अच्छी तरह से लाल होने तक भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें तो हमारा प्याज लगभग लाल हो चुका है, सुनहरा। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे, कुटा हुआ दरदरा। हमने ओखली में इसको कूच लिया था, अब उसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो डक के मीट को हम लोग इस तरह अगर बनाएंगे तो वो अच्छा लगता है ज़्यादा। उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है कुचा हुआ अदरक लहसुन डालने से। तो अब हम लोग इसमें डक का मीट को ऐड करते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा चूल्हे के ताव में इसको सेक लिए थे बढ़िया से। सेकने से इसका जो दुर्गंध है ना, वो बदबू लगता है वो ख़त्म हो जाता है। तो लगभग हम लोग का 1/2 kg होगा डक का मीट। और देखिए हम लोग इसमें नमक डाल दिए हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चीमड़ होता है, ये सीजने में टाइम लगता है। और हल्दी डाल दी है 1/2 चम्मच। अब इसमें जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक हम लोग इसको भूनते रहेंगे। डक का मीट में बहुत सारा तेल निकलता है दोस्तों, तो उसको तेल तो देखिए हम तेल छोड़ दिया है डक का मीट ने और आधा पक चुका है। और अब हम इसमें गोल की जीरा, धनिया और चिकन मसाला और कस्तूरी मेथी इसको घोल के हम लोग पानी में उसके बाद डालेंगे इसमें, ताकि मसाला जले ना। तो हमने घोल को डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे इसको। तो लगभग हम लोग का 1/2 घंटा हो चुका है डक का मीट बनते बनते। तो इसको हम लोग ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद मसाला जल ना जाए। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है, आज मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो अब हम इसमें गरम आप पानी ऐड किए हैं 2 गिलास। इसमें और थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि ये सीजने में टाइम लगता है, बहुत देरी से बनता है थोड़ा सा इसको। तो देख सकते हैं अब हम लोग इसको देख रहे हैं, पानी सटक चुका है। तब हम लोग इसमें चिकन मसाला डाल रहे हैं और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाले हैं। तो हमारा डक का मीट लगभग बन चुका है।
और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, थोड़ा सा और पानी को हम लोग सटका लेते हैं।